नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में आप लोग देखेंगे जूल थॉमसन इफेक्ट, जो केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है। और इसे बताने से पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मैं पहले ही बता चुकी हूं कि मैं आप लोगों को बस केमिस्ट्री का नोट्स अवेलेबल कर रही हूं, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। बहुत सारे कमेंट्स आने के कारण मैं स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए नोट्स कहीं से मंगवाई हूँ और उसको मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके, आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से इसका नोट्स यानी कि आप लोग आंसर दे सके। तो अगर मुझे एक्सप्लेन करने में अगर कोई मुझसे कोई मिस्टेक हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, पहले ही मैं आप लोगों को बोल दे रही हूँ। और आप लोग खुद से आप लोगों को नोट्स बताती जाऊँगी, आप लोग खुद से उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके, तो चलिए, जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन प्रभाव, जब किसी गैस को समतापीय रूप से उच्च दबाव के क्षेत्र से निम्न दबाव के क्षेत्र की ओर फैलने दिया जाता है, तो इस क्रिया में जूल थॉमसन इफेक्ट, इसे जूल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। यानी कि समतापीय रूप से उच्च दबाव के क्षेत्र से निम्न दबाव के क्षेत्र की ओर फैलने दिया जाता है, तो इसे जूल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। इसे निम्न प्रयोग द्वारा दिखाया जाता है। इसका प्रयोग ये रहा, एक्सपेरिमेंट, एक समवाहित नली के बीच में, यानी समवाहित नली ये हो गया के बीच में एक छिद्र में प्लग लगाया जाता है और दोनों घर्षण रहित पिस्टन ए और बी दोनों तरफ लगाया जाता है। मान लिया दबाव P1 पर आयतन V1 को पिस्टन के धीरे धीरे दबाया जाता है। आप लोग फिगर में देखते जाइएगा। ओके, V1 को पिस्टन के धीरे धीरे दबाया जाता है। दबाव P1 रहता है, दाहिनी ओर के कक्ष में गैस को फैलने दिया जाता है, इससे दूसरा पिस्टन आगे की ओर बढ़ता है। ऐसा करने पर यह पाया जाता है कि दूसरा पिस्टन बाहर की ओर फैलता है। इस प्रयोग से यह पाया जाता है कि दूसरे थर्मामीटर के पठन में कमी आ जाती है, अर्थात तापक्रम घट जाता है। मैं आप लोगों को पढ़ के इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर कोई आप लोगों को वर्ड आपको समझ में ना आए तो आप लोग वो पढ़ सकें। ओके, वरना मैं ऐसे ही साइलेंट मोड पे नोट्स डालती हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, अधिकांश गैस छिद्र में प्लग से फैलने से ठंडक उत्पन्न करती है। केवल हाइड्रोजन और हीलियम इसके अपवाद है, जो ठंडक के बदले गर्मी उत्पन्न करते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। पिस्टन ए पर किया गया कार्य P1V1, दूसरे पिस्टन बी द्वारा किया गया कार्य P2V2, अतः कुल किया गया कार्य W से स्विच किया जाता है P2V2 - P1V1। अतः फर्स्ट लॉ से ∆E = Q - W, चूँकि यह क्रिया अतापीय है, तो ∆E = E2 - E1 = W - W - P2V2 - P1V1। अब देखिए, इस इक्वेशन को सजाने पर E2 + P2V2 = E1 + P1V1, अर्थात H2 = H1, ∆H = 0। अर्थात यह क्रिया जो जूल थॉमसन के प्रयोग में होती है, निश्चित एंथैल्पी पर संपन्न होती है। तो इस प्रकार आप लोगों का जूल थॉमसन इफेक्ट का टॉपिक समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इससे भी ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट प्राप्त हो सके जिनको अभी तक केमिस्ट्री का नोट्स अवेलेबल नहीं हुआ है या नहीं कर सके हैं। और ऐसे ही मोर वीडियोस देखने के लिए, केमिस्ट्री से रिलेटेड, जूलॉजी से रिलेटेड और भी सारे सब्जेक्ट्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।